डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हो गया और चेक स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस को देख सकते हो और योर एप्लीकेशन हिस अप्रूव भी हो गया और SMS में ID और पासवर्ड भी आ गया है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेक स्टेटस करके वो चेक कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करो, ठीक है। यहाँ पे ऐप को ओपन करने के बाद, स्पाइस मनी ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टैप कर लेना है। ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ पर टैप करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए, जिस नंबर पे आप लोगों को ID चाहिए उस नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कोड को एंटर कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर कोड ये देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर कोड 794902, ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है। ओके, तो यहाँ पे एंटर कर देने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल आप लोगों को फिल करना है। तो बेसिक डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम, ईमेल ID, पिन कोड और स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। ये एड्रेस भी आपको फिल करना है और उसके बाद कॉन्फर्म पे आप लोग टैप कर देना है। कॉन्फर्म पे टैप करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल भरना होगा। पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना और पैन कार्ड का फोटो और उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू, कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को एड पर्सनल डिटेल आप लोगों को करना है। तो पर्सनल डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे फादर का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ और मेल, और यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करके रख देना है। और यहाँ पे मेरिटल स्टेटस देना है और यहाँ पे कैटेगरी देना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देना है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, और यहाँ पे नॉन ही रख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी डिटेल फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो स्टार वाला मार्क है वही फिल कर दीजिए और उसके बाद कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टैप कर दीजिए। तो एड पर्सनल डिटेल हमने सबमिट कर लिया, अभी हम एड बैंक डिटेल, ठीक है, एड बैंक डिटेल हम करेंगे। तो यहाँ पे जो भी बैंक है आपका बैंक वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अकाउंट नंबर दे दीजिए और यहाँ पे IFSC कोड दे दीजिए और उसके बाद सेविंग या करेंट अकाउंट, ठीक है, सिलेक्ट करके कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि अपलोड बैंक फॉर्म, ठीक है, आपका बैंक फॉर्म है तो बैंक फॉर्म अपलोड कर दीजिए, नहीं तो पासबुक है तो पासबुक डाल दीजिए, नहीं तो स्टेटमेंट भी यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल चेक भी चलेगा, ठीक है, जो चेक होता है वो कैंसिल भी देने से हो जाएगा। अगर आपकी पासबुक और स्टेटमेंट है तो ये देने से हो जाएगा, ठीक है, ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे सबमिट पर टैप कर दीजिए। सबमिट पर टैप करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड शॉप का नेम, ठीक है, आपका शॉप का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपका शॉप का नाम दे देना है। यहाँ पे कितना टाइम का आपका शॉप ओपन होगा वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। वहाँ पे आपके वीक ऑफ है या नहीं है आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे नो ही रखने दीजिए और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ पे स्टेट और सिटी अपने आप आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत यहाँ पे एंटर कर दीजिए और एड्रेस को एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपका आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आधार कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे आधार कार्ड और फ्रंट साइड और बैक साइड को दे दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू एंड ये सब डिटेल ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये अभी बिजनेस डिटेल को ऐड करना होगा। तो बिजनेस डिटेल में आप यहाँ पे बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से और कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा भी एक डेट दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू और उसके बाद यहाँ पे ये इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लीजिए आप लोग और उसके बाद GST नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं होगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद हमारा बिजनेस डिटेल भी ऐड हो चुका है। तो अभी
अदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नो ही रखना दीजिए, और यहाँ पे नो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप लोग टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फी लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फी लेना होगा, आप सेल्फी ले लीजिए। सेल्फी इस तरह से आप लोग सेल्फी को ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके दुकान के सामने आप लोग सेल्फी खींच के वो प्रोसेस टू क्लिक पर सेल्फी पर टैप करके वो ले लीजिए, ठीक है। तो लेने के बाद अब सेल्फी भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा आप लोग जैसा जैसा लिख के स्क्रीन पर आएगा वह ऐसे देख के आप लोग बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड पे टाइप करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है आपके फ्रंट साइड, और यहाँ पे प्रोसीड टू वीडियो पर की करके, और यहाँ पे आप लोग टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टार्ट नाउ पर आप लोगों को टैप कर देना है, और यहाँ पे सबमिट डिटेल पे टैप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हमारा हो गया, और योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जा चुका है। और यहाँ पे चेक स्टेटस पे आप लोग टैप करके चेक स्टेटस कर पाओगे, और यहाँ पे कॉल करके भी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी दे रहा है यहाँ पे, और कॉल भी करके आप लोग पूछ सकते हैं स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों के पास सबमिट डिटेल हो चुका है, अंडर रिव्यू में जा चुका है। अभी यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस